उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ से ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुकतीर्थ की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि शुकतीर्थ हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं बल्कि आज से 5000 साल पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा राजा परीक्षित को यहां पर को सुनाई थी। वहीं सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में कौन सी ऐसी जाति मत है जो अपना 5000 वर्षों का इतिहास बता पाएगा, लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं क्योंकि शुकतीर्थ वह भूमि है जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी की डबल इंजन सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया, इसीलिए अन्नदाता देश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। मैं जब यहां आता था, यहां के संत जन भी, जनप्रतिनिधिगण भी एक ही बात कहते थे कि शुकतीर्थ हमारा पवित्र धाम है। आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास के पुत्र महाराज सुखदेव जी ने यहीं पे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा यहां पर राजा परीक्षित को सुनाई थी। 5000 वर्ष पहले दुनिया के कौन सी ऐसी जाति मत और मजहब है जो अपना 5000 वर्ष का इतिहास बता पाएगा, लेकिन हम तो गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे शुकतीर्थ में जो भागवत भूमि है 5000 वर्ष पहले यहां पर महाराज सुखदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करवाया था और ये कथा जन्म और जीवन दोनों को धन्य करती है।